अगर आप हमेशा से अपनी पेट्रोल सीएनजी या डीजल गाड़ी से ईवी पे आना चाहते थे देन दिस इज द बेस्ट टाइम 2024 एंड फॉर द राइट रीजंस। मार्केट में अफोर्डेबल ऑप्शंस बहुत हैं। एमजी की कॉमेट है, टाटा की टियागो ईवी है, पंच ईवी है, सिट्रों की EC3 है एंड सो ऑन। प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईवी चार्जिंग का दैट हैज बीन इंप्रूविंग एंड मैन्युफैक्चरर्स अपने रेंज के ऊपर आपको डिस्काउंट्स भी इस टाइम पे दे रहे हैं। बट जाहिर सी बात है व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल न्यू इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म ईवीज एज कंपेयर टू नॉर्मल इंजन्स तो काफी सारे सवाल अप्रिहेंशंस आपके मन में आते हैं। बट दिस वीडियो इज मेंट टू क्लियर ऑल दैट। आपके जो भी सवाल है ईवीज को लेके उनका मैं आंसर करूंगा इस वीडियो के अंदर। ईवी गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्या इसमें गियर्स होते हैं, बैटरी को कैसे चार्ज करते हैं, रीजन क्या होता है, ड्राइविंग मोड्स क्या होते हैं एंड सो ऑन। सो अगर ईवी आपके मन में है देन दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू। पूरा वीडियो देखना आखिरी तक बिकॉज आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड ट्राई टू कन्विंस यू टू मूव टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। बाय द वे टाटा पंच ईवी को लेके हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे हमारे इंडियंस का एक बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट है। वो कौन सी जगह है, कैसा ट्रैवलॉग है, वेल उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 26 जुलाई को वो एपिक वीडियो हमारे चैनल पे 91 व्हील्स पे लाइव जाएगा एंड फॉर द नोटिफिकेशन सुपर सिंपल हमें सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। इफ यू प्रेस द बेल आइकन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। अ बिग प्लस पॉइंट ऑफ ईवीज इज दैट ये मैनुअल नहीं होती हैं, दे आर ऑटोमेटिक्स एंड इसका मतलब क्या है, ईज ऑफ ड्राइविंग। गाड़ी मेरी ऑन है एंड लाइक एनी ऑटोमेटिक आपके पास चार डिफरेंट मोड्स मिलते हैं बेसिकली ट्रांसमिशन के। पी इज फॉर पार्किंग जिसके अंदर आप गाड़ी को ऑन ऑफ छोड़ सकते हैं, ब्रेक्स पे लॉक आ जाएगा तो पी इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग द कार। उसके बाद आप किसी मोड में जाएंगे तो आपको नीचे ब्रेक जरूर प्रेस करनी पड़ेगी। अगर ब्रेक को मैं नहीं प्रेस करता ये गाड़ी रिवर्स पे नहीं जाएगी। आपके पास एक ऑडिबल चाइम आएगी एंड सेफ्टी के लिए आप पहले ब्रेक को प्रेस करेंगे। नाउ इफ आई रोटेट दिस गाड़ी रिवर्स में आएगी, या अगर आप यहाँ पे गियर लीवर है वो भी आप ब्रेक दबा के आप रिवर्स में आ सकते हैं। रिवर्स में आके एज एक्सपेक्टेड गाड़ी पीछे जाएगी। पंच ईवी एंड बाकी गाड़ियों में क्रीप मोड होता है। क्रीप मोड का मतलब क्या है, मुझे रेस नहीं देनी, अगर मैं ब्रेक छोड़ता हूँ अपने आप गाड़ी पीछे जाना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई लीव द ब्रेक पेडल गाड़ी पीछे जा रही है। सो ट्रैफिक के अंदर आप सिर्फ ब्रेक को छोड़ेंगे गाड़ी आगे पीछे क्रीप फंक्शन जो होता है वो जाना शुरू करेगी। इवन सेम फॉर इफ आई गो इन टू ड्राइव मोड, ट्रैफिक है मुझे रेस नहीं देनी है, मैं सिर्फ ब्रेक को छोड़ूंगा एंड वी विल स्टार्ट गोइंग। यू कैन लुक एट द डिस्प्ले, अभी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो वेरी हेल्पफुल फॉर स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक कंडीशन। आप रेड लाइट पे खड़े हैं फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, आप डी में रह सकते हैं, जस्ट प्रेस द ब्रेक फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। अगर आगे रेड लाइट है आप डी में रहिए एंड लाइट होते ही आप जा सकते हैं। लंबी लाइट है यू कैन बी इन न्यूट्रल बट ब्रेक जरूर प्रेस करना या हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना। और भी लंबी है आप पार्किंग में जाके पीसफुली गाड़ी को छोड़ सकते हैं और ब्रेक को भी छोड़ सकते हैं। सो पी इज फॉर लॉन्गर स्टॉप्स, एन इज फॉर शॉर्टर स्टॉप्स एंड ड्राइव के अंदर स्टार्ट स्टॉप के अंदर आप इजिली गाड़ी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर रीजन के मोड्स आते हैं। रीजन क्या होता है, वेल रीजन इज बेसिकली यूसेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जो अदरवाइज वेस्ट होने वाली थी ब्रेक करते हुए, उसका यूज करते हैं टू रिचार्ज द बैटरीज। बहुत ही कम लेवल पर रिचार्ज होता है बट ऑन अ डेली बेसिस ओवरऑल आपको 100 में से 2-3% का रीजन की हेल्प मिल जाती है। सो जब भी आप ट्रैफिक के अंदर हैं, अगर आप एक्सीलरेटर पेडल से आप उठाते हैं अपना राइट फुट, द कार विल स्टार्ट डी एक्सीलरेटिंग। वो वाली एनर्जी उस टाइम में वेस्ट नहीं हो रही, वो जाके बैटरीज को रिचार्ज करती है। नाउ काफी गाड़ियों के अंदर रीजन के लेवल्स आते हैं, मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पंच के अंदर आपके पास राइट साइड पे यहाँ पे रीजन के लेवल्स आते हैं L1, L2, L3। आई विल अगेन जस्ट गो बिट क्लोजर एंड इसको आप पंच के अंदर पैडल शिफ्टर से आप चेंज कर सकते हैं। हर गाड़ी में एक डिफरेंट बटन होता है, कई गाड़ियों में यहाँ बटन होता है, कईयों में नहीं होता है। एमजी कॉमेट के अंदर द रीजन लेवल्स आर बेस्ड ऑन द ड्राइविंग मोड्स। सो मैं इन बटन्स को यूज करके पैडल शिफ्टर यूज करके आई कैन शिफ्ट द रीजन मोड्स। अभी L1 पे है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन आप देखिए ऊपर जा चुका है और L3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन। इसके अलावा आप रीजन को ऑफ भी कर सकते हैं। अगर मैं लेफ्ट वाला यूज करता हूँ आई कैन स्विच ऑफ द रीजन L2, L1 एंड रीजन ऑफ। रीजन ऑफ से आपको जब आप रेस छोड़ेंगे आपको ब्रेकिंग या रीजन की जो एफिशिएंसी होती है आपको नहीं मिलेगी। बट मैं शहर के अंदर L3 इस्तेमाल करता हूँ विच इज प्रिटी स्ट्रॉन्ग एंड गिव्स यू अ गुड अमाउंट ऑफ रीजन कमिंग इन। स्पेशली अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं तो
रीजन इस्तेमाल करके आप बहुत सारी बैटरी वापस पा सकते हैं, कोई वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होती है, वेरी ह्यूज प्लस पॉइंट ऑफ ईवी कार्स। यही रीजन है कि ईवी कार्स हाईवे पे जो एफिशिएंसी देती हैं वो शहर के अंदर भी देती हैं। शहर में जब भी आप ब्रेक लगाते हैं या रेस छोड़ते हैं, आप वापस बैटरीज को थोड़ा बहुत रिचार्ज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं गाड़ी के मोड्स पे। टाटा के बहुत सारे मॉडल्स में नेक्सॉन, टियागो या इसके अंदर आपको मोड्स मिलते हैं। फिलहाल मैं सिटी मोड के अंदर हूँ। इफ आई यूज दिस बटन आई विल गो इनटू द इको मोड। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। लाइकवाइज स्पोर्ट मोड है फॉर फुल पावर। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये मोड्स आपको एमजी कॉमेट जैसी गाड़ियों के अंदर भी मिलते हैं, बट बेस्ट यूज ये है कि हम सिटी मोड में लीजिए। मैं इसको छोड़ूंगा, विल गो बैक इनटू सिटी मोड। इज द बेस्ट टू बी यूज्ड। अगर आपको एक्स्ट्रा एफिशिएंसी चाहिए आप इको में जा सकते हैं, एंड फॉर स्पोर्टी स्प्रिंट्स आपके पास स्पोर्ट मोड भी है। नाउ ईवी के अंदर आपके पास गियर्स नहीं होते हैं, तो इट इज अ प्लस पॉइंट फॉर योर ड्राइविंग कन्वीनियंस। कोई लैग नहीं होता कि आरपीएम लो जा रहा है हाई जा रहा है, आपको जीरो आरपीएम से पूरा टॉर्क मिलता है जो पेट्रोल या डीजल गाड़ियां आपको नहीं देती। एग्जाम्पल पंच आपको देती है 190 Nm ऑफ टॉर्क इन दी LR वर्जन, जो बड़ा वाला बैटरी पैक है, एंड जैसे ही आप टेक ऑफ करते हैं इमीडिएटली वो सारा का सारा पंच अवेलेबल होता है। कितनी फास्ट है, कितनी क्विक है, वो डिफरेंट वीडियो है विद दी इको मोड, सिटी मोड एंड स्पोर्ट मोड में एक्सलेशन टॉस मोड एक डिफरेंट वीडियो है। बट ओवर अ पेट्रोल डीजल और CNG कार आपको इनिशियली सारा पंच मिल जाता है। कई लोग पूछते हैं बनी, इन अ नॉर्मल ऑटोमेटिक पेट्रोल अगर आप 30-40 पे हैं, आपको इमीडिएटली रेस चाहिए, आप पेडल दबाएंगे द गियर शिफ्ट विल कम डाउन, आपको पंच मिल जाएगा। ईवीज में क्या होता है, बिकॉज कोई गियर नहीं है, अगर आप 30-40-50 पे जा रहे हैं द मोमेंट यू प्रेस द एक्सेलरेटर आपको सारा टॉर्क इमीडिएटली दोबारा मिल जाता है, आपको कोई लैग नहीं होता है, एंड सीमलेस फ्लो लाइक अ लोकोमोटिव ट्रेन, सीमलेस फ्लो 0 से 120, 0 से 100 स्पीड के अंदर कोई भी शिफ्ट नहीं होता है। इट्स अ सीमलेस पुश इन द बैक सीट, आप रेस दे रहे हैं, स्पीड बढ़ रही है एंड शिफ्टिंग नहीं होती, तो वन शॉट में बस आप पीछे ऐसे हो जाते हैं और आपकी गाड़ी आगे जाती रहती है। अ ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर एन इलेक्ट्रिक कार। अगला सवाल है दैट पेट्रोल डीजल आपको अगर आपको गाड़ी भरानी है इट विल टेक 2-3 मिनट्स, CNG में 5-10 मिनट, इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या होता है? वेल मेरा सिंपल एक वन लाइन है, अगर हम हर रोज अपने मोबाइल फोन्स को वी कैन चार्ज बिफोर स्लीपिंग, व्हाई कांट वी डू द सेम थिंग विद इलेक्ट्रिक कार्स? हर 2-3-4 दिनों में हम घर पे अपनी गाड़ी को चार्ज क्यों नहीं कर सकते? अ स्लो चार्जर इज 3.6 किलोवाट। अब ये व्हाट डस किलोवाट मीन? सपोज इसका जो बड़ा वाला वर्जन है वो 35 किलोवाट आवर की बैटरी पैक आती है। अगर आपके पास विद द बिगर वर्जन आपको पंच देती है 7.2 किलोवाट का चार्जर जो घर पे आप लगा सकते हैं, उसका मतलब क्या है? 35 किलोवाट आवर की बैटरी है, सो 35 डिवाइडेड बाय 7.2, बेसिकली 5-6 घंटे में आप अपनी गाड़ी को घर पे भी पूरा फास्ट पूरा चार्ज कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग क्या होती है? अगला सवाल बनी, मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली से अम्बाला, मुंबई से सतारा, बेंगलुरु से मदुरई जाना है, ऐसे मौके पे ये गाड़ियां DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं। जो घर का सेटअप है वो AC चार्जिंग है, AC स्लो है, AC फास्ट। हाईवे पे जो पॉइंट्स लगते हैं दोज आर DC फास्ट चार्जिंग। उसमें अगर आपके पास फास्ट चार्जर है हाईवे पे तो आप इस गाड़ी को फॉर एग्जाम्पल 10-90% 1 घंटे से कम में कर सकते हैं। सिंपल प्रोसीजर, लॉट ऑफ एप्स आर अवेलेबल, एक प्लग शेयर वाला ऐप आता है, वो यूजर फीडबैक उसके अंदर काफी आता है कौन सी लोकेशन पे किस कंपनी का चार्जिंग आउटलेट है, वहां पे जाइए उस कंपनी का ऐप डाउनलोड कीजिए, एंड इफ द गन इज अवेलेबल उस गन को लेके आगे लगाइए, ऐप के थ्रू यू कैन इनिशिएट द चार्जिंग। सो यूजुअली इवन 30 किलोवाट आवर का अगर चार्जर आपको मिलता है, आप अपनी चार्जिंग की ब्रेक पे अपने खाने की ब्रेक को ज्वाइन कीजिए। जब तक आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, खाना खाएंगे और बाहर आएंगे, 30-40 मिनट्स में आपकी गाड़ी 20-80 या 30-90% इन मोस्ट केसेस चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज इस गाड़ी की हाईवे रेंज 300 है, आप साथ में 200 और ले सकते हैं ड्यूरिंग अ लंच और अ फूड ब्रेक, तो आप 500 किलोमीटर तक इजिली अपने घर से एक डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। सो इवन लॉन्ग ड्राइव बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज पॉसिबल। इश्यू आता है लॉन्ग वीकेंड्स पे या जब वो चार्जर बिजी होता है, वो उस कंपनी का ऐप आपको शो कर देगा कि चार्जर इज बिजी, आप कोई और चार्जर ढूंढ सकते हैं। बट इन रियलिटी बेसिस आज के जमाने में आप 500 से 600 किलोमीटर की रोड ट्रिप विदाउट थिंकिंग मच आप कर सकते हैं। आखिरी सवाल, कोई ड्रॉबैक है? लोग कहते हैं कि बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई। वेल आजकल ऑलमोस्ट हर कंपनी आपको 1.6 लाख किलोमीटर तक की वारंटी देती है या 8 साल की वारंटी ऑन द इलेक्ट्रिक मोटर एंड द बैटरी। ये 1.6 लाख किलोमीटर तक की वारंटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1.7 लाख पे जाते ही बैटरी बंद हो जाएगी। इन मोस्ट केसेस 2-2.5 लाख किलोमीटर पे गाड़ियां चलती हैं और उसके बाद जाके बैटरी की हेल्थ स्टार्ट्स रिड्यूसिंग।
बट सोचिए अगर आप 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं, रनिंग कॉस्ट 1 रुपी पर किलोमीटर है, पेट्रोल में आती है 6 से 7 रुपए पर किलोमीटर, आप ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर चला के 12 लाख रुपए सेव कर रहे हैं। तो सेविंग्स आर देयर। अगर उससे पहले कुछ होता है, कंपनी की वारंटी है, वो मोटर को या बैटरी को रिप्लेस कर देंगे। सो इनिशियल कॉस्ट, अगर बात करूं पंच पेट्रोल ऑटोमेटिक, उसके मुकाबले इनिशियल कॉस्ट इज हार्डली 3-4 लाख रुपीज एक्स्ट्रा, बट दिस इज इजीली रिकवरेबल अगर आप ड्राइव करते हैं। घर पे चार्जिंग करते हैं तो लो रनिंग कॉस्ट है, हर 3-4 डेज पे पार्किंग में गाड़ी को पार्क कीजिए, चार्ज कीजिए और सुबह अपने ऑफिस या अपने फैक्ट्री को गाड़ी के लेके जाइए। तो मेरे ख्याल से ये सही टाइम है, 2024 इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन टू इलेक्ट्रिक कार। अगेन एम जी की कॉमेट है, टियागो ईवी है, सिट्रो की EC3 है, पंच भी है। सो ऑप्शंस अब आपको 8 से 14 लाख रुपए के बीच में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। पंच का फायदा क्या है? सेफ्टी, डिजाइन एंड फीचर्स। सो देयर यू गो, ये सिंपल बट डिटेल वीडियो ने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। बट तब भी कोई सवाल हो जो मैंने छोड़ दिया हो, मुझसे पूछे इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। प्लस वंस अगेन, इस गाड़ी को लेके 26 जुलाई को हमारे चैनल पे एक एपिक इमोशनल वीडियो आने वाला है, एंड फॉर दैट यू नो वॉट टू डू, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। बिफोर आई लीव, ईवी लेना चाहते हैं? यस और नो, और क्यों बताइए मुझे इन दी कमेंट सेक्शन बिलो।